भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी खतरनाक हो गई है। हर दिन रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 4,14,188 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया है। ICMR ने बताया है कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 29,86,01,699 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इन सैंपल में से 18,26,490 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना का हाल, कुल कोरोना मामले आए हैं 2,14,91,598, कुल डिस्चार्ज 1,72,12,351, कुल मौतें 2,34,083, एक्टिव केस 36,45,164, कुल टीकाकरण 16,49,73,058 लोगों की हो गई है वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना टीकाकरण में 16,48,76,248 डोज दी गई हैं। कल शाम 8 बजे तक 18 से 44 आयु वर्ग के 2,62,000 से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। इसमें पहले गुरुवार को संक्रमण के 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए थे और 3,980 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को COVID-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर गिरकर 81.99% हो गई है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।